Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And today I am going to discussing various issues over the main topic curriculum, in which this time I am going to discuss principles of curriculum construction. Yani ki Pathyakram Nirman ke Siddhant. And the lecture will be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your subjective normal subjective courses as BA, MA, BA, MA. Okay, so principles of curriculum construction. जब पाठ्यक्रम पर आधारित subjective प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आप पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए. मतलब वो कौन से मतलब curriculum planners जो हैं, वो किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए curriculum बनाते हैं या उन्हें बनाना चाहिए. तो बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें से मैंने कम करते करते भी बहुत सारे हो गए. इतना आप पढ़िए, उसमें से थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे तो भी मतलब भर का आपको याद रहेगा, या आप इससे जिस्ट समझ जाएंगे कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. तो इसमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं. चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल, आपको पता है कि अब जितनी भी पेडागॉजी है वो लर्नर सेंटर्ड हो गई है. तो प्रिंसिपल जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का वो है कि आप बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण कीजिए. द करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल नीड्स इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड. जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उसकी आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के हिसाब से करिकुलम फ्रेम कीजिए. द कंटेंट ऑफ द स्टडी इन एनी सब्जेक्ट शुड बी फॉर्म्ड टू सूट देयर मेंटल एबिलिटी. मतलब ये तो पता होगा ना किस क्लास के लिए पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है. मतलब उस क्लास का जो ग्रेड नॉर्म है, जो एज नॉर्म है, उसको फॉलो करते हुए हमको बनाना चाहिए करिकुलम. फिर प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सामाजिक और हमारी सिविक नीड्स को भी ध्यान में रखता हो. मॉडर्न एजुकेशन एम्स एट बोथ डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना. यानी बालक का भी विकास हो और समाज का भी विकास हो, इस तरीके का पाठ्यक्रम हो, ताकि हम वो वैल्यूज, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड आप में इनकलकेट कर सकें वो पाठ्यक्रम पढ़ाकर. प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब आगे देखने का सिद्धांत. इन फ्रेमिंग द करिकुलम वी मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन द फ्यूचर नीड्स ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. मतलब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, पाठ्यक्रम इतनी जल्दी जल्दी अपडेट हो रहे हैं, आवश्यकताएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, नॉलेज इतनी जल्दी नॉलेज मतलब क्षय मतलब ऑब्सोलीट हो रही है नॉलेज, है ना. तो हमको ये ध्यान में रखते हुए कि आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो कब एडल्ट लाइफ में पहुंचेगा, कब नौकरी में जाएगा, उस वक्त तक का हमको फॉरवर्ड लुकिंग विजन होना चाहिए, उस हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि समाज में हम वैसे बच्चों को तैयार करें जो जिनके पास कोई ऐसी दृष्टि ना हो जिनकी वो आगे के जीवन में सर्वाइव कर सके. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, education is regarded as a means of preserving the cultural heritage of humanity. The school serves two old functions in this regard, preservation of the past experiences as well as transmission of experiences. वो कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो क्या, किसका साधन है, preserving the cultural heritage of humanity. तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत है उसको preserve करने का काम भी शिक्षा करती है. तो विद्यालय का ये two old functions विद्यालय के इस क्षेत्र में है कि हमको past experience को preserve भी करना है और experiences का transmission भी करना है. मतलब उसको संरक्षित भी रखना है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाना भी है, या एक से दूसरे तक पहुंचाना भी है. प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिविंग, इसको आप फॉरवर्ड लुकिंग से जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत. द कंटेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन शुड बी लिंक्ड विद द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, है ना. जिस प्रकार के मतलब कहते हैं ना ग्लोबल, मतलब हम ग्लोबल भी हो और लोकल भी हो, यानी लोकल नीड्स तो हमको कहीं छोड़नी ही नहीं है करिकुलम में. कौन सी जगह हम रहते हैं, उस जगह की क्या खासियत है, क्या लोकेलिटी में खासियत है, वो होना चाहिए का पाठ्यक्रम में शामिल, वो उसका मुद्दा आना चाहिए ताकि हम वो सीख सकें कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमको पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है कि नहीं. प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटी, स्टार्टअप्स का जमाना है, आइडिया का जमाना है ना. तो हम वो एलिमेंट हो हमारे पाठ्यक्रम में कि हम उनको वो अनुभव दे सकें कि बच्चे में क्रिएटिविटी इनकलकेट हो, डेवलप हो, प्रमोशन हो, अगर वो पहले से क्रिएटिव है तो. करिकुलम मस्ट बी सच दैट इट कैन एनहांस द इंटेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स. फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, इसके तो पूरा इंटीग्रेटेड करिकुलम ही बन गया है. वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द करिकुलम एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड. Various activities should be organized according to the principle of integration. बहुत सारी विषयों के
कोई ऐसा टॉपिक ले लें जो सब विषयों में, बहुत से विषयों में, जैसे कि मान लीजिए आपने जल ले लिया, तो वो आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको पढ़ाइए, उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाइए कि जल का निर्माण कैसे हुआ है ना। जल आप लिटरेचर में पढ़ सकते हैं, जल तो ऐसा टॉपिक है, सब में होता है। तो हम ये कह रहे हैं, अब तो इंटीग्रेटेड करिकुलम मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, आप जान जाएंगे क्या है, कि इंटीग्रेट करके चलिए आप विषयों को, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में करके एक दूसरे से अलग मत रखिए। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी, करिकुलम शुड हैव वैरायटी टू केटर टू द डाइवर्स रेंज ऑफ लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एज वेल एज इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इट इज रिकमेंडेड बाय मुदालिया कमीशन टू। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी ये प्रिंसिपल बताया कि वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत होना चाहिए पाठ्यक्रम में। यानी कि बहुत मतलब हर तरीके का बच्चा पढ़ रहा है ना उस पाठ्यक्रम को, तो आप एकदम मोनोटोनस न रखिए उसमें। हर तरीके के बच्चे के नीड, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी के हिसाब से उसमें डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज की संभावना हो, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बच्चों के लिए फायदेमंद हो और फ्लेक्सिबल हो, मतलब आप रिजिड ना हो कि ये चीज ऐसे ही चलनी है। इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखिए, सेल्फ पेसिंग का ध्यान रखिए, है ना। और मुदालिया कमीशन ने भी कहा है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड हो, एज वेल एज वी ऑल नो दैट चाइल्ड लर्न बेस्ट बाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सो करिकुलम शुड बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल। मतलब उसमें जितना ज्यादा हो सके हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को हम कराएं, क्यों, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग अच्छा होता है, हम करके सीखते हैं ये सब कुछ, हम जानते हैं। एनसीएफ 2005 ऑल्सो ऑल्सो होना चाहिए था ये, ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग, है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे अलग से मेरा लेक्चर है, आप उसको सुन सकते हैं। और एनसीएफ 2005 ने भी अनुभवजन्य शिक्षा पर बल दिया है, अनुभवजन्य अनुगम पर। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, काम कारी काजी तो हो, मतलब कि उसकी कोई उपयोगिता तो हो। करिकुलम मस्ट इंक्लूड कंटेंट दैट इज यूजफुल टू द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। यहाँ भी ये गलत हो गया, आई दो हो गया है। तो करिकुलम में इस तरीके का कंटेंट हो कि वो हमारे लिए लाभप्रद हो, उसकी उपयोगिता हो हमारे लिए। प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्ले एंड वर्क, आप सबको पता है कि बच्चे खेल उनके लिए नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है उनका, तो हम काम को कैसे सिखाएं। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए करिकुलम द लर्निंग एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस शुड बी मेड सो मच इंटरेस्टिंग दैट चाइल्ड गेन्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम देम इन द प्ले वे स्किल, मतलब खेल खेल में वो सीख जाए, इस तरीके का हमको संश्लेषण करना है खेल और कार्य में। प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी, यानी कि द मुदालिया कमीशन हैज आल्सो हाईलाइटेड दिस प्रिंसिपल बाय सजेस्टिंग दैट देयर मस्ट बी टोटैलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर गिवन टू द पीपल थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज इन द स्कूल। मुदालिया कमीशन अपनी जो करिकुलम की डेफिनेशन बताते हैं उसमें भी टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं संपूर्णता में उनको अधिगम के अनुभव मिले, ये होना चाहिए पाठ्यक्रम में। फिर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर लेजर, कहते हैं ना कि शिक्षा हमको सिर्फ हम मतलब कि अपने खाली समय का कैसे सदुपयोग करते हैं, ये शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। तो करिकुलम में ये बात होनी चाहिए कि हमको इस तरीके से इंगेज रखे कि हम अपने खाली समय को भी किस तरह से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। करिकुलम मस्ट बी सच सो दैट इट कैन मेक स्टूडेंट्स एंगेज इन देयर लेजर टाइम टू इफेक्टिवली। यानी खाली समय में भी आप काम का ही काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसी चीजें आपको सिखाएं, ऐसी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व रखा जाए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, आजकल तो कम्युनिटी सर्विस की बहुत बात हो रही है। दी करिकुलम शुड बी सो डिजाइन एज टू फैसिलिटेट दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा है, मतलब कि कम्युनिटी से आप एजुकेशन को लाभ दीजिए और एजुकेशन से कम्युनिटी को लाभ दीजिए, इस तरीके का पाठ्यक्रम हो। कहते हैं ना कि आप समुदाय के लिए आपने क्या किया, एनएसएस और ये सब बहुत काम होता है आजकल तो। प्रिंसिपल ऑफ नीड, आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता किसकी, लर्नर की, लर्नर की कौन कौन सी आवश्यकता, सारी आवश्यकताएं केटर होनी चाहिए करिकुलम के द्वारा, सोसाइटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड मेनी मेनी मोर। फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ये थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन से मिलता जुलता है। करिकुलम शुड बी केप्ट वेरियसली इंटरडेटेड एंड ले स्ट्रेस अपॉन कोरिलेशन, वो कह रहे हैं कि आप उसको अंतर संबंधित रखिए और करिकुलम कोरिलेशन पे बल दीजिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, आजकल तो इतना वैल्यू डिग्रेडेशन की बात हो रही है, इसलिए पीस एजुकेशन एक नया कंसेप्ट निकल कर आया है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो हमें मूल्य इंकल्केट कर सके, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, डेमोक्रेटिक, एस्थेटिक, ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड, यस। तो इतने सारे मैंने लिए हैं, तब भी मैंने बहुत सारे छोड़ दिए हैं, आप समझ सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि पाठ्यक्रम वो मतलब जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स में हम जो 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 कुछ इनकलकेट करना चाहते हैं वो सब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो, लेजर टाइम उपयोग कर सकें, कम्युनिटी सर्विस कर सकें, हम वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप हो सकें, हम कोरिलेट करके चलें, इंटीग्रेट करके चलें, कोरिलेशन से चलें, सब कुछ, ठीक है।
यूटिलिटी बेस्ड हो, नीड बेस्ड हो. सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर करिकुलम, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई स्टैंड फ्रॉम इट.